हेलो गाइस, यू आर वेरी वो वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन लेके आई हूँ जिसका नाम है ड्रैगन विद क्यूट मर्मेड। और ये जो फैन फिक्शन है ना गाइस, इसमें जो अल्फा ड्रैगन लवांगची है वो गलती से हमारे मर्मेड वेवुशियन से मिल जाता है। और कैसे ये लोग मिलते हैं, क्या होता है, ये तो आगे ही पता चलेगा और कैसे इनकी लव स्टोरी शुरू होती है। तो चलिए आज हम इसकी छोटी सी स्टोरी को शुरू करते हैं। जो हमारा प्यारा सा लवांगची होता है ना, वो डीमन रेलम से है। जी हाँ, लवांगची एक अल्फा है और डीमन रेलम से है, जो कि धरती से काफ़ी सारी ऊंचाइयों में बादलों में रहा करते थे। ये पूरा लैंडसेट जो है वो डीमन ब्लड लाइन का है, पर ये ऐसे डीमन है जो कि वाइट कपड़े पहनते हैं, वाइट तरीके से रहते हैं। इनकी ब्लड लाइन ज़रूर डीमन है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं, बहुत अच्छे किस्म के ड्रैगन हैं और ये दुनिया का बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहते। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये डीमन ब्लड लाइन तो है, लेकिन ये दुनिया के अच्छे क्या ही सोचते हैं। और वहीं पर एक इनसे बहुत नीचे, क्योंकि ये लोग आसमान में रहते हैं, इनका पूरा का पूरा जो जगह है ना वो आसमान में है, क्योंकि डीमन और बाकी के लोगों को अलग रखा जाता था जिससे इनके बीच में कोई क्योस ना रहे, इनके बीच में लड़ाई ना रहे। इस वजह से डीमन्स आसमान में बिल्कुल ऊपर एक ज़मीन का टुकड़ा जो कि हवा में लहरा रहा था उधर रहा करते थे। लवांगची एक बार अपने भाई के साथ बहुत ही तगड़ा प्रशिक्षण कर रहा था, क्योंकि ये ड्रैगन जाति से आते थे। ये सारे के सारे जो डीमन थे ना, इनका जो दूसरा रूप होता है वो ड्रैगन का होता है, जिसे यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा लवांगची है इसके ड्रैगन रूप को हैंगवनजुन कहा जाता है। और जो हमारे प्यारे से लैन शिचन है, यानी कि लैन हुआ, उनके जो प्यारा सा डीमन रूप था उसे चेवजुन कहा जाता था। तो यहाँ पर चेवजुन और हैंगवनजुन आपस में आसमान में फाइट कर रहे थे। ये फाइट कोई ऐसी नहीं थी, बल्कि प्रशिक्षण का ही हिस्सा थी, जिसमें जेवजुन और लवांगची जो है वो आसमान में अपने डीमन पर को निकाल के, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये एक ड्रैगन है तो ये हवा में उड़ सकते हैं, ये आराम से अपने पर को निकाल के हवा में उड़ रहे होते हैं। और उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चले जाते हैं। इनको जितना इनका एरिया है वहाँ पर लड़ने, प्रशिक्षण लेने और इन सब के लिए कहा गया था। बट लवांगची ना थोड़ा सा चुलबुला होता है और वो देखता है ना कि जेवजुन उसे हरा रहे हैं, तो लवांगची को यहाँ गुस्सा आता है, यानी कि उसके जो हैंगवनजुन रूप था, जो उसका ड्रैगन रूप था, उसे गुस्सा आ जाता है। और वो यहाँ पर जेवजुन से लड़ाई करते करते, यानी कि लैन हुआन का ड्रैगन रूप से लड़ाई करते 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 इतना दूर निकल जाता है, इतना दूर निकल जाता है क्योंकि वहाँ पर सारे बादल थे। तो यहाँ पर जो जेवजुन थे वो चकमा देकर वापस से अपनी जगह पर आ जाते हैं और अपने ड्रैगन रूप को बिल्कुल इंसानी रूप में बदल लेते हैं। लेकिन गलती से जो हमारा लवांगची था वो इस चकमे को समझ नहीं पाता, इसलिए वो जो उनकी जगह थी, यानी कि जो उनकी लैंड थी, उससे बहुत दूर आसमान में निकल जाता है। आसमान में जैसे ही वो निकलता है ना, वहाँ पर थोड़ी सी बिजली कड़कती है। बिजली कड़कने की वजह से सीधा बिजली आकर ड्रैगन के ऊपर गिरती है। वो यानी कि लवांगची अपने हैंगवनजुन ड्रैगन रूप में था, जिसकी वजह से वो आकर सीधा जैसे उस पर बिजली गिरती है ना, तो उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट आती है। वो सीधा उसका ड्रैगन रूप सुगड़ के एक इंसानी रूप हो जाता है और वो सीधा आकर पानी में गिरता है। जब वो पानी में गिरा था तब तक वो बेहोश हो गया था, और क्योंकि वो ड्रैगन था और वो कभी पानी में इस तरह से नहीं रहा था, तो उसके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तभी एक क्यूट सा मर्मेड वहाँ बैठा होता है। वो बहुत ही क्यूट था। वो कभी अपनी टांगों से, मतलब जो मर्मेड होते हैं उनकी टांगे चेंज भी हो सकती है और उनकी टांगे मर्मेड की तरह भी रह सकती है, जैसे कि एक मछली होती है, तो वो वहाँ पे खेल रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ बड़ी सी चीज़ उनके पानी में आके गिरती है। वो सीधा उस चीज़ को देखने जाता है। पहले तो वो डरता है, फिर वो देखता है उस इंसान को पानी में सांस लेने से दिक्कत हो रही है और वो जो इंसान था ना, उसे बहुत ज़्यादा चोट भी आई है, क्योंकि यहाँ वांगची से ब्लड निकलने लगता है। तो अचानक से यह क्यूट सा प्यारा सा मर्मेड ना, जिसका नाम वेवुशियन था, जो कि एक ओमेगा था, वो सीधा उसे अपने हाथों में लेता है। वो देखता है कि यहाँ पर लवांगची जो है वो बेहोश हो रखा है, उसके शरीर से खून निकल रहा है और वो सांस भी नहीं ले पा रहा, ऐसे तो वो मर जाएगा। तो ये क्यूट सा ड्रैगन सीधा आके माउथ टू माउथ, यानी कि उसे सांस देने के लिए उसके लिप्स से अपने लिप्स को जोड़ लेता है और वांगची को ये माउथ टू माउथ देते हुए, जो कि एक किस की तरह ही लग रहा था, ये सीधा एक चट्टान पे लाकर लिटा देता है। वो देखता है कि इस इंसान को, ये जो भी है, इसे बहुत ज़्यादा चोट आई है, क्योंकि सीधा जो बिजली थी ना वो
हमारे प्यारे से हेंगवनजुन यानी कि उसकी ड्रैगन फॉर्म पे आके इतनी तेज़ तरीके से गिरती है कि उसके शरीर के कुछ कुछ अंग कट जाते हैं, क्योंकि बिजली जो होती है ना उससे बहुत तेज़ करंट निकल रहा था, जिसकी वजह से वापस से वांगजी जब गिरा था तो वो अपने ड्रैगन रूप से हट के अपनी इंसानी रूप में तो आ गया था, पर उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं। यहाँ पर ये क्यूट सा मोमेंट समझ नहीं पाता आखिर ये क्या करे, तो ये पास से ही कुछ जड़ी बूटियाँ तोड़ के लेके आता है और उसे वांगजी के जख्मों पर जोर से निचोड़ देता है। वांगजी जो कि ऊपर से आकर गिरा था, ये देखने लगता है वांगजी के सफ़ेद रंग के कपड़े थे जो कि खुले हुए थे, उसके रोब्स भी खुले हुए थे और वांगजी की टांगे जो थी वो हमारे प्यारे मोमेंट जैसी नहीं थी। तो ये विभूषण जो अचानक से बहुत सोचने लगता है कि ये इंसान कहाँ से आया होगा, क्या ये इन्हें मारने आया होगा, पर इसे तो खुद चोट आई हुई है। विभूषण जो है वो देखता है कि ये जड़ी बूटियाँ काफ़ी नहीं हैं, तो वो पास से ही आराम से जाता है और दूसरी भी जड़ी बूटियाँ ले आता है, क्योंकि यहाँ पर जो मोमेंट होते थे वो ज़्यादातर कपड़े नहीं पहनते थे, तो यहाँ पर विभूषण तो उसका ऊपर का शरीर तो नंगा ही था और नीचे का जो शरीर था वो मछली जैसा ही लग रहा था। वो अचानक से रेंगते रेंगते जाता है और भी सारी जड़ी बूटियाँ और फूल लेके आता है, फिर वो अपने हाथ से उन्हें मसल कर अपने जादू का इस्तेमाल कर गए उनका जितना भी अच्छा रस था उससे वांगजी के सारे गाँव को भरने लगता है। वांगजी के जो घाव थे क्योंकि वो डीमन वर्ल्ड से आता था इसलिए ये जो दवाइयाँ थी ना वो जल्दी से असर नहीं कर रही थी, क्योंकि मोमेंट्स पे ही ऐसा है ये जो दवाइयाँ हैं वो जल्दी से असर करती थी, लेकिन वांगजी पे अभी दिक्कत हो रही थी, अभी टाइम लग रहा था। तो यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा बींग था ना वो कंफ्यूज होता है और वो यहाँ पर अचानक से उनके प्यारे से बूढ़े से मरमेड होते हैं, उनसे कहने लगता है देखो ना इसे कुछ हो गया। यहाँ पर वो कहते हैं ओमेगा इससे तो अल्फा की गंध आ रही है, ये कोई अल्फा है तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है, जाओ वापस पानी में। यहाँ पर बींग मना करते हुए कहता है इसे हमारी ज़रूरत है, देखो इसे बहुत चोट आई है, ये मर जाएगा अगर हमने इलाज नहीं किया। तो वो जो प्यारे से मोमेंट थे ना वो बहुत बुज़ुर्ग थे, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज थी, तो वो पास में ही कुछ जड़ी बूटियों को उखाड़ कर लंजा के जो इतने भी घाव थे उन पर सीधा थोड़ा सा लेप लगा कर उसे सीधा उसके जख्मों पर बंद कर देते हैं और विभूषण को डांटते हैं कि जाओ यहाँ से। विभूषण अभी भी नहीं जा रहा था क्योंकि विभूषण को लग रहा था कि अगर वो यहाँ से गया तो कहीं ऐसा ना हो ये अल्फा मर जाए। तो यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ते हैं और विभूषण को कहते हैं तुम जाओ इसका ख्याल मैं रखूँगा और डोंट वरी तुम वापस यहाँ मत आना, ये अल्फा है अगर इसने तुम्हें नुकसान पहुँचा दिया तो। यहाँ पर बींग जो है वो क्यूट सी स्माइल करता है और वापस से पानी में चला जाता है। बींग के बहुत छोटे छोटे से दोस्त थे जो कि मोमेंट्स थे और उसके साथ खेल रहे थे, बींग उनके साथ वापस से पानी के अंदर खेलने लगता है। वो सारे के सारे जैसे कि एक मछली पानी में जाती है और तैरती है बिल्कुल वैसे ही तैर रहा था और उनसे हंस रहा था, अपनी भाषा बोल रहा था और सबसे कह रहा था कि मैंने आज एक इंसान को बचाया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था वांगजी जब अपनी इंसानी फॉर्म में था तो उसे लगता है कि शायद उससे उसकी जो भेंट हुई है वो एक इंसान से हुई है, क्योंकि बींग को ये नहीं पता कि वो एक ड्रैगन है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी वांगजी की पट्टी करने के बाद वो भी पानी में चला जाता है। वांगजी जो कि वहाँ पर काफ़ी देर उसका घाव रहता है वो काफ़ी देर तक बेहोश रहता है, फिर उसे प्यास लगती है वो पानी पानी कहकर अपनी आंखें खोलता है। वो अपनी आंखें खोलता है ना तो वो देखता है कि कोई उसे घूर के देख रहा है और वो अचानक से डर के साइड होता है ना, तभी वो इंसान उसे पकड़ लेता है। वो कोई अजीब सा इंसान था जो कि नंगा पुंगा था, वो कोई और नहीं बल्कि बींग था। बींग उसे पकड़ता है और उसे मुस्कुराते हुए पूछता है कुछ चाहिए, तो वांगजी को उसकी भाषा समझ नहीं आती। वांगजी उससे कहता है तुम क्या कह रहे हो मुझे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आ रही। बींग समझ आता है, बींग उसके माथे पे हाथ रखता है और उसकी भाषा को समझकर उसे बोलने लगता है क्या तुम्हें क्या चाहिए। वांगजी जब देखता है कि बींग उसे टस्ट है तो वो उसे पानी मांगता है। पास में ही वो वांगजी को दिखाता है यहाँ तो बहुत सारा पानी है, तो वो कहता है मुझे पानी पीना है। तो बींग बड़े ही प्यार से पास में ही अपने हाथ में थोड़ी सी बुक करके यानी कि अपने हाथ का ही थोड़ा सा मोड़ कर उसमें पानी भर के लाता है और वांगजी को पिलाता है। वांगजी यहाँ पर उस पानी को पीकर खड़ा होता है और कहता है कि मैं कौन सी जगह हूँ, ये कौन सी जगह है, तुम कौन हो। तो वो मरमेड बताता है कि मेरा नाम बींग है, मैं एक मरमेड हूँ, मैं एक एंजल मरमेड हूँ। ये सुनते ही वांगजी
हक्का पक्का रह गया था क्योंकि उसने आज दिन तक सिर्फ ड्रैगन सुने हैं, डीमन सुने हैं। ये एक एंजल मरमेड ये कैसे हो सकता है? बीइंग जहाँ भी रहता था ये पानी बहुत पवित्र पानी था और यहाँ पर सारी एंजल मरमेड ही रहा करती थी, कोई बुरी मरमेड यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर इन लोगों की बहुत अच्छी हेवन से ब्लेस्ड जगह थी जिसमें ये लोग रहते थे और यहाँ का पानी भी बहुत मीठा, बहुत अच्छा और मरमेड के लिए सबसे प्यारा था। इसलिए विंग यहाँ पर जब बताता है कि वो एक एंजल है, वांगची को लगता है कहीं उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, कहीं मरने के बाद वो इस जगह पे तो नहीं आया। तो वो विंग से पूछता है क्या मैं मर चुका हूँ। विंग मुस्कुरा के कहता है नहीं नहीं, मैंने तुम्हें बचा लिया, मैंने पहली बार किसी इंसान को देखा है। इंसान तो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। वो बार बार उसके चीक्स को छेड़ने लगता है और फिर उसके कानों को भी छेड़ने लगता है। वांगची को थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि विंग प्रॉपर ही न्यूड था और विंग न्यूड क्या, उसकी जो बॉटम्स थी यानी कि उसकी कमर से नीचे की जो जगह थी वो पूरी की पूरी फिश की तरह थी। वो अपनी टेल को भी हिलाता है और वांगची जब देखता है ना ये इंसान पक्का मर्मेड है, तो वांगची उससे पूछता है क्या तुम्हें मेरे ब्रदर चिवजुन या लंचचन दिखे। विंग सिर हिला के मना करता है और कहता है ये कौन है। वांगची कहता है मेरे भाई हैं, क्या यहाँ पर कोई तुमने मेरे जैसा कोई इंसान देखा है। विंग मना कर देता है कि नहीं उसने नहीं देखा। वांगची यहाँ पर ऊपर देखने लगता है कि ऊपर हवा में कुछ है, तो वो विंग से पूछने लगता है ये कौन सी जगह है। तो विंग उसे बताता है कि उसे नहीं पता वो कौन सी जगह है, पर वहाँ पर बुरे लोग रहते हैं। वांगची मन में सोचने लगता है उसने तो कभी अपनी जगह से इतनी ऊंचाई पर कोई जगह नहीं देखी थी, कोई लैंड नहीं देखा था, फिर ये आखिर कौन सी जगह है। वांगची को भी नहीं पता था कि जो डीमंस है ना वो आसमान में काफ़ी ऊंचाई पर रहते हैं क्योंकि काफ़ी उनकी जो लैंड थी ना वो धरती से उखड़ कर उपाय ऊपर चली गई थी और ऊपर की जगह पे ये लोग काफ़ी ऊंचाई पे रहते थे। पर वांगजी को तो लगता था वो तो धरती पे ही रहते हैं, इसलिए वांगजी यहाँ सोच में पड़ गया था कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि वांगजी से काफ़ी सारी चीज़ों के राज छुपाए गए थे। वांगजी यहाँ पर आसपास उठने की कोशिश करता है पर जो बिजली गिरी थी उसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी जिसकी वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर पास से ही कुछ फ्रूट तोड़कर विभूषण रेंगता हुआ जाता है और उसके लिए लेके आता है। वांगजी को वो खाने के लिए भी देता है। वांगजी को वो फल फ्रूट समझ नहीं आ रहा था कैसे खाएं क्योंकि उसके यहाँ के फल फ्रूट बिल्कुल अलग होते थे और मरमेड की दुनिया के फल फ्रूट बिल्कुल अलग हैं। वांगजी के हाथ में वो दे तो देता है पर वांगजी को समझ में नहीं आता इसे खाना कैसे है। तो वो विंग से यहाँ पर बड़े ही मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम मुझे खिला सकते हो। विंग बड़े ही प्यार से वांगजी के हाथों से फ्रूट को लेता है, पहले उन्हें छीलता है, फिर उनके टुकड़े करता है और उनके अंदर से बीज निकाल के फेंक देता है और फिर वो वांगजी को खिलाता है। वांगजी ऑब्जर्व कर रहा था कि इस फ्रूट को खाते कैसे हैं, पर वो शर्मिंदा था, वो कैसे पूछे एक प्यारी सी क्यूट सी इस प्यारे से मर्मेड से कि इसे खाते कैसे हैं। वहाँ पर तो वांगजी को ऐसा लग रहा था क्योंकि वो अपने सेक्ट में बहुत नॉलेज रखा करता था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ भी नॉलेज नहीं है। फिर विंग दूसरे फ्रूट को अलग तरीके से काट रहा था और अलग तरीके से खिला रहा था। वांगजी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और फिर खाता है। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरे जैसे अगर कोई भी इंसान दिखे तो मुझे इन्फॉर्म करना। वांगजी यहाँ पर बोलने ही वाला था कि वो ड्रैगन है, लेकिन फिर वो चुप हो जाता है क्योंकि यहाँ पर विंग ने उसे बोल दिया था कि वो एंजल है। तो वो डराना नहीं चाहता था विंग को ये बोल के कि मैं एक डीमन हूँ। वांगजी यहाँ पर चुपचाप एक कोने पर बैठा हुआ था, लेकिन विंग फिर से उसे पोक करता है। विंग यहाँ पर उससे पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। वांगजी सिर हिला के हामी भर देता है। तो विंग यहाँ पर और भी जड़ी बूटियाँ ले आता है और फिर उन्हें वांगजी की ही जख्मों पर लगाने लगता है, कभी उसके हाथों पर, कभी उसकी चेस्ट पे और कभी उसकी टमी पे। फिर वो धीरे धीरे वांगजी का पजामा भी खोलकर वहाँ भी लगाने को होता है। तभी वांगजी कहता है ये क्या कर रहे हो। विंग पूछता है तुम्हें चोट आई होगी, क्या मैं वहाँ लगा दूँ। लेकिन वांगजी उसे हाथ नहीं लगाने देता और खुद को दवाई लगा लेता है और कहता है यहाँ कभी भी हाथ मत मारना, हम इंसान हैं और ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। विंग पूछने लगता है कि क्यों। वो अपनी भी जगह दिखाने लगता है जो कि पूरी की पूरी मछली जैसे शरीर की थी। तो वांगजी यहाँ पर उसे कन्फ्यूज़न तरीके से देखने लगता है, उसके सिर पे हाथ मारता है और कहता है तुम बुद्धू हो, तुम बिना पागल हो, कभी भी किसी भी अल्फा को स्पेशली मेरे जैसे दिखने वाले अल्फा से ऐसी हरकतें मत करना।
विंग अभी भी कंफ्यूज था, लेकिन वो मुस्कुराते हुए पानी में चला जाता है और पानी के साथ खेल रहा होता है। कभी वो उल्टा तैरता है और कभी वो सीधा, और वो वांगजी को दिखा रहा होता है कि वो तैरने में कितना एक्सपर्ट है। वांगजी यहाँ पर मुस्कुराकर उसे देख रहा था, लेकिन उसे दर्द हो रहा था। फ्रूट खाने के बाद उसको बड़े ही प्यार से नींद आ रही थी, मीठी मीठी नींद। वो सिर्फ विंग को देखते देखते ही सो जाता है। विंग को भी जब एहसास होता है कि उसके फादर उसे बुला रहे हैं, तो वो भी पानी की गहराइयों में चला जाता है वांगजी को छोड़कर, जो कि सो चुका था। विंग नीचे जाता है तो उसके फादर कहते हैं कि मैंने सुना है यहाँ पे एक अल्फा आया है जो कि इंसान जैसा दिखता है। विंग, अगर खबरदार जो तुम उसके पास गए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम उसके आस पास मुझे यूं मंडराते हुए दिखे या उसकी हेल्प करते हुए दिखे, मैं बाकी के अल्फा मर्मेड्स को भेज दूंगा उसकी हेल्प के लिए, पर तुम नहीं जाओगे। विंग पाउच बनाने लगता है और कहता है ठीक है, क्योंकि वो अपने फादर से आर्ग्यू नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका तो एक नया इंसानी दोस्त बन चुका था। देखते हैं गाइस, विंग को अभी ये नहीं पता कि वो एक ड्रैगन है, और वांगजी को नहीं पता कि उसे अपने घर कैसे जाना है। कब तक वांगजी ठीक होगा और अपने घर जाएगा, क्या तब तक विंग और वांगजी के बीच में कोई लव एंगल होगा या नहीं, और विंग और वांगजी जो कि एक अलग अलग दुनिया से हैं, क्या वो एक दूसरे को समझ पाएंगे या नहीं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।